ऐसा लगता है ये सब करके तुम जीत जाओगे? हाँ, नो वे, हमारे पास अरमान है। अरमान? हमारे पास सुपर चैंप है पापा। You're right. Good morning. So, मेरे दोनों चैंप्स तैयार हैं कि नहीं मैच के लिए? Yeah, Dad. हाँ, देख रहा हूँ एक तो तैयार है, रंजीत तुझे क्या हो गया? You're getting lazy. चलो, come on, हरिया, हरिया, हरिया। मैं तुम दोनों के लिए नीचे गाड़ी पे इंतजार कर रहा हूँ। हरिया। पापा। Yeah. पापा, I hope कल रात सब ठीक था। कल रात? आप किसी केस के चक्कर में लेट हो गए थे ना? सब ठीक है अंजलि, हरी आप। बास्केट। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिर बोल अतुल। हाँ, मेरा बॉल। रिलैक्स, अगर इतना वर्कआउट करोगे तो मैच में क्या करोगे? यू नो सपना, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ इतना अच्छा कि मैंने ढीला कर दिया अच्छे अच्छों का कच्चा, पर आज मुझे डर लग रहा है सच्चा। अच्छा, अगर तुम इतना अच्छा खेलते हो तो डरते क्यों हो? ए, पास! बास्केट! यो! यू नो सपना, अगर गलती से मैंने अंजलि को धक्का मार दिया तो वो तो मुझे जहर खिला देगी, और अगर गलती से मेरी वजह से टीम जीत गई और डॉक्टर कीर्ति को बुरा लगा तो मेरा इंटर्न ऑफ द मंथ छोड़ो, मेरा डॉक्टर बनने का टर्न भी चला जाएगा। बास्केटबॉल मैच, कॉलेज की दिन याद आ गए ना? एक्चुअली बहुत टाइम बाद कोई स्पोर्ट खेल रहा हूँ मैं। हां डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति, आपके बास्केटबॉल कप्तान तैयार हैं या नहीं? यस सर, कंप्लीटली। ओह वेरी गुड, हारने के लिए ऑल द बेस्ट। यू टू सर। ओके, आज हमारे संजीवनी के कोर्ट में बास्केटबॉल मैच हो रही है, दर्शकों की काफी भीड़ जमा है, दोनों टीमें कोर्ट में वार्म अप कर रही हैं, सभी खिलाड़ी काफी जोश में हैं और जो अपने कैप्टन के आने का इंतजार कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा बॉयफ्रेंड मैच खेल रहा है, उसको देखने आई हूँ। लेकिन तुझे परमिशन कैसे मिली? Hey Machar, sister lovely. वो क्या है ना डॉक्टर अरमान, वो आज है ना सब गार्ड्स और मेक अ विश फाउंडेशन वाला जो बोर्ड है ना जी, सभी कैदियों को छुट्टी मिली है, सभी मैच देखने आने वाले हैं जी। वो क्या है ना जी कि डॉक्टर अतुल भी खेल रहे हैं ना। हारना मचा? डोंट वरी, बास्केटबॉल है ये, तो मैं आंखें बंद करके भी जीत सकता हूँ। अगर आंखें बंद करोगे तो उसको कैसे देख पाओगे? गेम पर ध्यान देना, वो डॉक्टर पर नहीं। बेस्ट ऑफ लक। गेम पर, डॉक्टर पर नहीं, गेम पर, गेम पर। डोंट वरी। कम ऑन, मिनी ने जो बोला था उस पर ध्यान दे, उस बास्केट नहीं, इस बास्केट। कम ऑन अरमान, यू कैन डू। बॉल बॉल बॉल, कम ऑन, गिव द बॉल। डोंट वरी, अब मिस नहीं होगा, डोंट वरी। सचिन सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं, डैड काफी अच्छे प्लेयर है और रिड्स भी ठीक ठाक है। हाँ, डोंट वरी, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। बॉल बॉल बॉल। क्या हो गया तुम्हें आज अरमान, सारे बास्केट्स मिस कर रहे हो? वी हैव टू विन दिस यू नो। लेट्स प्ले, कम ऑन। टीम बी के कैप्टन डॉक्टर शुभांकर आ चुके हैं और ये आ रहे हैं टीम ए के कैप्टन डॉक्टर शशांक गुप्ता। जोरदार तालियां। ये जीतने वाली टीम है। हे गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सो गाइस रेडी? कम ऑन गाइस, हट आजा सुनो। और इस मैच के रेफरी हैं संजीवनी के पुराने कर्मचारी और हम सबके चहेते उमर भाई। अंजलि, ऑल द बेस्ट। अंजलि, अंजलि, अंजलि। सो डॉक्टर कैप्टन शुभांकर,
ऑल द बेस्ट, आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सर, एंड टू यू टू एंड टू ऑल। डैड, आप मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे? हां अंजलि, मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मेरे बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त मैं इस टीम का कप्तान हूं और तुम लोग हारोगे। कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कार अतुल, जंप बॉल। मैच शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमों के खिलाड़ियों का जोश आसमान छू रहा है। ऐसे खेलोगी तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। सॉरी अतुल, रहने दो। कम ऑन, लेट्स जस्ट गो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। और मैच रेफरी उमर भाई ने हाफ टाइम का ऐलान कर दिया है और टीम ए ने बनाया है 8 पॉइंट और टीम बी लीड कर रही है जिन्होंने बनाया है 32 पॉइंट। टीम बी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और खास तौर पे डॉक्टर अरमान मलिक ने। वू सी, आई एम विनिंग, आई एम विनिंग। देखा मेरा आइडिया काम कर गया ना।
ध्यान सही जगह पर, वरना गेम हार जाते। तो गुड गेम। अरे कहाँ का गुड गेम सिस्टर पद्मा, स्कोरबोर्ड तो देखिए। प्लीज, ये तुम्हारा आइडिया नहीं था, मेरा फोकस था। जब मैं बास्केटबॉल खेलता ना तो मेरा फोकस बिल्कुल 110% होता है, तभी मुझे कोई हरा नहीं सकता। रियली? अरे टीम सुनो, स्कोरबोर्ड देखा ना आप लोगों ने, आप जानते हैं हम लोग हार रहे हैं लेकिन हम फिर भी जीत सकते हैं, पता है कैसे? कुछ भी करके, चीटिंग वीटिंग कुछ भी चलेगा। ऑलराइट, थैंक यू। मतलब क्या कर रहे थे? अरे उसने मुझे ऐसा लुक दिया कि मैं हुक हो गया। अंजलि, अंजलि तुम्हारी पेशेंट शीला देवी कैसी है? पेशेंट शीला, थैंक्स अ लॉट। और क्या करूं अंजलि? डॉक्टर अंजलि की टक्कर से डॉक्टर रिधिमा गिरी, और ये फाउल हो सकता है, ओवर भाई फाउल, और ये फाउल हो सकता है, और ये फाउल दे दिया है। Oh.
की वजह से टीम ए की डॉक्टर रिधिमा को फ्री थ्रो का मौका मिला है। दोनों ही टीमें बराबर पॉइंट्स पे चल रही हैं और डॉक्टर रिधिमा अगर दो बास्केट कर लेती है तो उनकी टीम ए जीत जाएगी। मैच बड़े ही रोमांचक मोड पे आ गए, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ये शोर वोर सब भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ वो बास्केट और तुम। ओके, बी टोटली काम, सब कुछ ठीक होगा। और ये डॉक्टर रिधिमा ने पहला बास्केट कर दिया। यस 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 गुड शॉट। ओके नेक्स्ट शॉट। और अब देखते हैं कि वो दूसरा बास्केट कर पाती है। तभी की निगाह है डॉक्टर रिधिमा पर टिकी हुई है और जीत और हार का फैसला डॉक्टर रिधिमा की इस फ्री थ्रो पर निर्भर है। देखते हैं मैच का अंजाम क्या होता है। डॉक्टर रिधिमा ने दूसरा बास्केट भी कर दिया है और इसी के साथ टीम ए की शानदार जीत और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है टीम ए की डॉक्टर रिधिमा को। लास्ट चाहते हुए भी डॉक्टर अरमान डॉक्टर रिधिमा को बास्केट करने से रोक नहीं पाए और टीम ए के सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे हैं और दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ये किसने कहा? शाहरुख खान ने। स्मार्ट मैन। अंजलि, अंजलि कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। इट्स ओके, नींबू पानी चाहिए? थैंक्स। ओह, तुम तो बास्केटबॉल चैंपियन निकली। कांग्रेचुलेशंस। Come in. So, जीत गए? मैच कैसे लगी? मैच तो अच्छी थी लेकिन शायद हारना अंजलि को अच्छा नहीं लगा। शायद, लेकिन जिंदगी में तो ये तो होते रहता है। After all, किसी ना किसी को तो हारना ही है, क्यों है ना? हाँ, रिधिमा हारती तो शायद उसे भी अच्छा नहीं लगता। रिधिमा, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है, ये दोनों बच्चियां खेलती कितना अच्छा है। मेरे समझ में नहीं आता, मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मेरा दिमाग बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये दोनों एथलीट कब बन गए और किससे सीखा इन्होंने ये सब? शायद मुझसे। अरे हाँ, तुम्हें तो एडमिशन मिली थी स्पोर्ट्स कोटा में ना, और वो भी बास्केटबॉल। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही को स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए क्योंकि एक मेरी है और एक